शरद पवार राजनीति के भीष्म लेकिन सैया पर नहीं पड़े। क्या अजीत पवार का अंतिम उद्देश्य महाराष्ट्र का सीएम बनना है? आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं अंकिता पाठक। एनसीपी में शरद पवार के इस्तीफे के बाद हलचल और बैठकों का सिलसिला चल रहा है। नए अध्यक्ष की रेस में सुप्रिया सुले का पल्ला भारी बताया जा रहा है। इस बीच सामना के संपादकीय में कहा गया है कि अजीत पवार का आखिरी उद्देश्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। सामना ने कहा है कि भले ही यह एनसीपी का अधूरीन मामला है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के नायक शरद पवार हैं। इस लेख में शरद पवार को भीष्म जैसा बताया गया है, लेकिन कहा गया है कि वह भीष्म की तरह सैया पर नहीं पड़े रहे। सामना ने संपादकीय में लिखा है, शरद पवार इस्तीफा वापस ले, ऐसी मांग नेता कर रहे हैं। लेकिन अजीत पवार ने अलग भूमिका अपनाई। पवार साहेब ने इस्तीफा दिया, वे वापस नहीं लेंगे, उनकी सहमति से दूसरा अध्यक्ष चुनेंगे, ऐसा अजीत पवार कहते हैं। यह दूसरा अध्यक्ष कौन? पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पवार की पार्टी महाराष्ट्र केंद्रित है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालने योग्य नेता चुनते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। अजीत पवार की राजनीति का अंतिम उद्देश्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। सामना में सुप्रिया सुले की तारीफ करते हुए आगे कहा गया है, सुप्रिया सुले दिल्ली में रहती है, उनकी वहाँ की स्थिति अच्छी है, संसद में वह बेहतरीन काम करती है। हालांकि भविष्य में उन्हें पार्टी का नेतृत्व मिला तो पिता के समान ऊंचाई तक पहुँचने के लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। राज्य के कई नेता दहलीज पर हैं और उनमें कई नाम पवार की पार्टी के हैं। इस दहलीज के कुछ नेताओं ने पवार के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा विलाप किया। शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सभी की पोल खोल दी, बादल और हवा स्वच्छ कर दी। आज जो पेड़ पर गिरे वही कल पेड़ खींचने वाले होंगे, तो उनका मुखौटा खींचकर निकाल दिया। भले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अधूरीन मसला हो, फिर भी श्री शरद पवार इस घटनाक्रम के नायक हैं। उनके इस्तीफे का फैसला आने तक महाराष्ट्र में हलचल जारी ही रहेगी। पवार राजनीति के भीष्म हैं, लेकिन भीष्म की तरह हम सैया पर पड़े नहीं, बल्कि हम सूत्रधार हैं, यह उन्होंने दिखा दिया है। सामना ने शरद पवार और एनसीपी के राजनीतिक पद पर संपादकीय में लिखा, शरद पवार ने अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से आनंद फानंद में इस्तीफा दे दिया। पवार के करीबियों का कहना है कि असल में साहब तो 1 मई को यानी महाराष्ट्र दिवस को ही रिटायर होने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन मुंबई में महाविकास आघाड़ी की वज्रमुट सभा होने के कारण उन्होंने 2 मई को घोषणा की। हम इस राय से सहमत नहीं है। आत्मकथा लोक माझे सांगाती के विमोचन समारोह जैसे कार्यक्रम में सेवानिवृत्ति की घोषणा एक साथ की गई है। आत्मकथा उनके जीवन का संघर्ष और राजनीतिक जीवन का सार है। उनकी पुस्तक में न लिखे गए पन्ने यानी उनके कल के इस्तीफे के बारे में समझना होगा। पवार अपना भाषण लिखकर लाए थे, ऐसा कभी नहीं होता। लेख में आगे कहा गया, शरद पवार ने अपनी उम्र का 80 वर्ष कब का पार कर लिया है और फिर भी पवार सक्रिय राजनीति में अनवरत क्रियाशील है। पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके नाम से खड़ी है और चल रही है। पवार के इस्तीफे के बाद सभागृह में उपस्थित लोग भावनात्मक हो गए। उसमें जयंत पाटिल ने सही कहा, पाटिल के आंसू झलक पड़े। पाटिल ने कहा, आप ही पार्टी हैं, हम आपको देखकर ही राजनीतिक में आए और आपके नाम पर ही वोट मांगते हैं। आप ही नहीं रहेंगे तो हम पार्टी में क्यों रहे, हम भी इस्तीफा देते हैं। जयंत पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना व्यक्त की और वह सच है। पवार की आत्मकथा विमोचन समारोह की सांगाती इस तरह से चौंकाने वाली होगी, इसकी जरा भी कल्पना नहीं थी। एनसीपी के कुछ नेताओं पर तंज करते हुए लेख में कहा गया है, पवार की ओर से संन्याय की घोषणा करते ही कई प्रमुख नेताओं के आंसू झलक पड़े, रोने धोने लगे, पवार के चरणों पर नतमस्तक हो गए। आपके बिना हम कौन, कैसे, ऐसा विलाप किया। लेकिन इनमें से कईयों के एक पे भाजपा में है और पार्टी को इस तरह से टूटते देखने की बजाय सम्मान से सेवानिवृत्ति ले ली जाए, ऐसा सेकुलर विचार पवार के मन में आया होगा तो उसमें गलत नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक गुट भारतीय जनता पार्टी की दहलीज पर पहुंच गया है और राज्य की राजनीति में कभी भी कोई भी भूकंप आ सकता है। ऐसे माहौल में पवार ने इस्तीफा देकर हलचल मचा दी है। सामना के संपादकीय में आगे लिखा है, पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विशेष परिस्थितियों में की थी। पवार कांग्रेसी विचारधारा और भूमिका वाले नेता हैं। साहू फूले अंबेडकर के विचारों के रास्ते पर उन्होंने अब तक राजनीति की है। सामाजिक क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत बड़ा है। पवार ने 2 बार कांग्रेस का त्याग किया और खुद की स्वतंत्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। कभी सत्ता में तो कई बार विपक्ष में रहकर उन्होंने राजनीति की।
देश की राजनीति में तकरीबन 60 वर्ष से ज्यादा समय तक पवार ने राजनीति की। 27 साल की उम्र में वे पहली बार विधायक बने, तब से लेकर उनकी गति राजनीति में कभी कम नहीं हुई। पवार ने अपने तरीके से राजनीति की और कईयों की राजनीति बिगाड़ दी। शरद पवार ने अपने आत्मचरित्र में नए में क्या लिखा और जोड़ा, यह आगे का विषय है। लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति की घोषणा के बाद जो खलबली मची, वह आत्मकथा से बाहर का एक स्वतंत्र मामला है। शरद पवार के सियासत पर सामना में कहा गया है, यह सही है कि इंसान को ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए और कभी तो रुकना चाहिए, लेकिन राजनीति से किसका मोह भंग हुआ है? धर्मराज और श्री कृष्ण का भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तो खुद को फकीर मानते हैं, लेकिन उन्हें भी राजनीतिक मोह माया ने जकड़ रखा है। उसमें पवार तो पुरकालिक राजनेता है। ऐसा राजनीतिक व्यक्ति इस्तीफा देकर हलचल मचाए, इसके पीछे की सियासत क्या है? ईडी जैसी जांच एजेंसी के कारण पार्टी में फैलती बेचैनी और उससे सहयोगियों का चुनाव गया, भाजपा का रास्ता क्या इसके पीछे इस्तीफा देने की वजह हो सकती है? यह पहला सवाल। दूसरा, यानी अजीत पवार और उनका गुट अलग भूमिका अपनाने की तैयारी में है, क्या उसे रोकने के लिए पवार ने यह कदम उठाया है? यह दूसरा सवाल। शिवसेना टूटी, 40 विधायक छोड़कर चले गए, लेकिन संगठन और पार्टी अपनी जगह पर है। कल राष्ट्रवादी के कुछ विधायक वगैरह चले गए, फिर भी जिला स्तरीय संगठन हमारे पीछे रहे। इस दृष्टिकोण से जनमानस परखने का यह एक झटका देने वाला प्रयोग हो सकता है।